हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही अनोखे अंदाज में लौकी का भरता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लौकी को अच्छे से धो के छील के छोटे पीसेस में काट लें, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। उसके बाद कुकर में हाफ कप पानी डालकर लौकी के सारे पीसेस डाल दीजिए। आधा टीस्पून सॉल्ट भी डाल देंगे और एक सीटी आने तक पकाएंगे। सीटी बज चुकी है। अब कुकर में से लौकी निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और ठंडा होने के बाद थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे। दो टेबलस्पून सरसों का तेल डाल के मैंने खूब गर्म कर लिया था और फिर ठंडा करके फिर गैस ऑन कर ली है। अब इसमें तीन लहसुन की कलियां छोटी छोटी काट के डाल दी हैं और थोड़ा सॉटे करेंगे। अनियन को भी अच्छे से सॉटे करेंगे। बहुत डार्क ब्राउन नहीं भुनना, थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। बस इतना लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालते हैं मसाला, थोड़ी सी हल्दी, मतलब 1/4 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का है तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। लौकी को मैंने बस जस्ट आधा मिनट के लिए चर्न किया था मिक्सी में, तो वो भी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सूखने तक, ताकि लौकी भी थोड़ी रोस्ट हो जाए। रोस्ट होने के बाद इसकी फ्लेवर ही अलग हो जाती है। थोड़ा फ्लेम को हाई कर रही हूँ ताकि रोस्ट हो जाए। आधा टीस्पून नमक और थोड़ा कम ही डालते हैं क्योंकि बॉईल करने के टाइम भी लौकी में डाला था। मैं दो टमाटर की, फ्रेश टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ और इसको भी साथ में रोस्ट करेंगे। मैं डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। ये नॉर्मल चिल्ली पाउडर है, आप कश्मीरी लाल मिर्ची डालिए, उससे अच्छी कलर भी आएगा। दो हरी मिर्ची काट के मैंने रखी हुई थी जो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। झटपट लौकी का भरता तैयार है। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून देसी घी। अच्छी फ्लेवर आएगी और टेस्ट तो आएगा ही। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मैगी मसाला। ये बाज़ार में मिलता है और आप डालेंगे तो इसे आप बार बार यूज करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स करके प्लेटिंग करेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इस तरह से आप लौकी का भरता बनाएंगे तो बड़े क्या, बच्चे भी बड़े प्यार सिखाएंगे।
और बार बार बनाने के लिए आपको कहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी हैप्पी कुकिंग। बाय बाय।